अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शिफा यास्मीन यानी कि SY, और जिस सेगमेंट में आपको हमारा साथ है वो है SY फैशन टिप्स। जी हाँ, इसमें मैं बताऊंगी आपको SY क्रिएशन के हवाले से। आज एक बड़ा यूनिक सा डिज़ाइन जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, और उसमें जो है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की है। बड़ा फ़र्क होता है फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट करने में और बने बनाए फैब्रिक पे काम करने में। तो ये फैब्रिक को मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, क्लोज करके बिल्कुल आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सेगमेंट अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आप मेरे प्रीवियस शोज देखना चाहते हैं यानी कि SY फैशन टिप्स देखना चाहते हैं, अगर आपने नया नया हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर SY फैशन टिप्स का फोल्डर मौजूद है जहाँ पर आपको मेरी सारी क्रिएशंस जो हैं SY क्रिएशन के नाम से मिल जाएंगी। अच्छा जी, ये देखिए, ये एक स्केच है जो कि आपको इतना वाजे नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, क्लोज करके मैंने आपको दिखा दिया है। ये जो डिज़ाइन क्रॉस में बना हुआ है, इनफैक्ट इसमें मैंने फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट किया है कि फाइनल लुक क्या आई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और बस यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि इसको मैंने हाथ से स्टिच किया है तो ये उतना फाइन नहीं आएगा, लेकिन आप इसको मशीन से स्टिच अगर करवाते हैं तो बहुत फाइन लुक जो है वो आ रही होती है। ठीक है, ज़रा सा इस चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत छोटा सा फैब्रिक है और मैंने इसको हाथों से ही स्टिच किया। चलिए जी, हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। ये थी आज की SY क्रिएशन, और इसकी जो यूनिक सी बात है वो ये है कि इसमें मैंने फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट किया, मतलब फैब्रिक ऐसा था नहीं, इस फैब्रिक को स्पेशली ये जो ऑरेंज वन है इसको मैंने स्टिच करके इस तरह का फैब्रिक बनाया है। तो हमारी लैंग्वेज में इसको फैब्रिक कंस्ट्रक्शन कहते हैं। फैब्रिक को कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर मैंने इसको शर्ट की शेप में कट किया है। अच्छा, मैंने जो फैब्रिक यूज़ किया है वो लिनन है, आपकी मर्जी, आप सिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, आप जॉर्जेट भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, सिल्क और जॉर्जेट जब हम यूज़ करते हैं तो फिर आपको ओवरलॉक कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ओवरलॉक नहीं कराएंगे तो उसके थ्रेड्स जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कॉम्बिनेशन दिया है ऑरेंज और ग्रीन का, ये एक बड़ा खूबसूरत सा कॉम्बिनेशन है। और अगर 92 या 91 की मैं बात करूं तो उस वक्त ये कॉम्बिनेशन बहुत इन था, ऑरेंज और ग्रीन का। लेकिन फिर जिस तरह हम कहते हैं ना कि वक्त गुजरता गया और फिर जहाँ पे और बहुत सारे चेंजेस आई तो कलर्स में भी चेंजेस आई, फिर ग्रीन के साथ दूसरे कलर्स भी आए, लेकिन ये एक बड़ा बेसिक कलर उस ज़माने में हुआ करता था जब लोग पहनते थे, और अगर आज भी कोई इसको वेयर करता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा क्यों ना उस यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ एक डिज़ाइन जो है वो क्रिएट किया जाए।
यहाँ पर शिगफा यास्मीन यानी कि SY को दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे एक नई SY क्रिएशन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।